एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के विधायक उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं। सोमवार की रात बिजावर विधानसभा के विधायक बबलू शुक्ला जब अपनी विधानसभा के लोगों का इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, जहां पर जिला अस्पताल में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, यह देखकर विधायक के द्वारा कलेक्टर को फोन लगाने के बाद कलेक्टर ने उनका फोन नहीं उठाया। उसके बाद कहा कि जब विधायक एक घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकता रहा तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। विधायक बबलू शुक्ला ने विधानसभा सत्र में जिला अस्पताल की व्यवस्था का मुद्दा उठाने की बात कही है, साथ ही मुख्यमंत्री से कलेक्टर की शिकायत करने की बात भी कही है। बिजावर विधानसभा के भाजपा विधायक बबलू शुक्ला ने छतरपुर जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। तो बिजावर से छतरपुर रेफर करूँ, वो छतरपुर में आज 3-4 घंटा लो, हम यहाँ से वहाँ को रेफर करूँ, यहाँ से भर्ती तो कर लो, बोतल चढ़ा दे, लेकिन वो और कचूनी में काटते सवेरे होने ट्रीटमेंट, रात के कचूनी होने, और बोले जब डॉक्टर साहब सुबह आएंगे, अभी कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, सुबह आएंगे जब हम उसको वो करेंगे, फिर वो तो विधायक जी हमने फोन लगाओ सुबह आ गए, बिजावर विधायक बाबू शुक्ला राजा शुक्ला का बना। आज मैं जिले का दुर्भाग्य समझता हूँ कि मेरे बिजावर से भी 2 दिन मरीज आए हैं, और मैंने सिविल सर्जन से भी कई बार बात की है, और सिविल सर्जन भी विश्राम कर रहे हो, 3 बार कलेक्टर छतरपुर ने भी फोन लगाया है, लेकिन एक विधायक होने के नाते कलेक्टर का फोन नहीं उठा है। तो मैं जो छतरपुर की दुर्दशा देख रहा हूँ कि छतरपुर जिले अस्पताल में क्या दुर्दशा है कि जब एक विधायक उपस्थित होने के बाद डॉक्टरों की और कोई व्यवस्था नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैं खुद शर्म अपने आप से करता हूँ, और मैं बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी तक इस बात को पहुँचाऊँगा कि छतरपुर शहर का दुर्भाग्य है और जिले का दुर्भाग्य है कि 1 घंटे से मैं खुद खड़ा हूँ, ना यहाँ CS है, ना डॉक्टर है, केवल मरीजों की भीड़ है, और मैं बहुत जल्दी या 19 तारीख से मेरी विधानसभा है, मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा और जिले की हालात पे बात करूंगा। छतरपुर से संदीप यादव की रिपोर्ट।